Hi guys, how are you all? Welcome back to my channel, Ashwini Anand Gokhale. And today I am going to show you some traditional ways to store your whatever dals and see. I have मेरे पास ये सब राजमा हैं जिसको हम साल भर यूज़ करते हैं. ये राजमा है, ये दाल है, हरे मूंग की दाल है. और ये सब मैंने अभी इसको मैं पूरा 2-3-4 दिन तक इसको प्रॉपर हीट देने वाली हूँ टू स्टोर दिस ऑल दाल्स. फॉर दैट वी नीड 3-4 days एंड दिस इज़ द ट्रेडिशनल वे टू स्टोर दिस ऑल थिंग्स. एंड If you heat it in sun, अभी शुरुआत हुई है सन को, यानी अभी ठंडी कम हो रही है. ये फेब्रुवरी का अभी सेकेंड वीक है, तो अभी हीट धीरे धीरे बढ़ जाएगी. तो अभी इसको हम ऐसे रखेंगे थोड़ा सा सन में, तो ये प्रॉपरली हीट लगने के कारण ये साल भर, पूरे साल तक ये सब जो हम दाल वगैरह यूज करते हैं, दाल या ऑल काइंड ऑफ आवर पल्सेस एंड ग्रेन्स लाइक व्हीट एंड ओनली व्हीट, नॉट फॉर चावल के, चावल को हीट नहीं देते. चावल को हीट देने के कारण उसका क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाता है, तो हम चावल को हीट नहीं देंगे. लेकिन बाकी सब दाल, पल्सेस एंड व्हीट, ऑल ग्रेन्स वी कैन इंक्लूड इन दिस. एंड मैं और एक बात बताने वाली हूँ. मैंने ये ऑरेंज पील पाउडर बना के रखी है. ये मैंने प्रॉपर अभी जो सर्दी के समय हमने जो जो ऑरेंजेस यूज़ किए, तो वो ऑरेंजेस को मैंने यहाँ पे हीट में रखा था, ऑरेंज के पील्स को. और उसकी मैंने ये इतनी सारी पाउडर बना के रखी है. दिस इज़ वेरी गुड फॉर योर स्किन. आपको पिगमेंटेशन है या बॉडी पे टैन हो गया है, तो सब टैन या पिगमेंटेशन इसमें हनी मिला के आप लगाओगे तो वो पूरा का पूरा पिगमेंटेशन भी निकल जाता है. तो ये और एक तरीका है, खाली सन में रख के आप सन की सोलर एनर्जी को यूज करके कैसे आप बेनिफिट्स पा सकते हैं. इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, सो यू कैन डू एट योर होम ऑल्सो. ट्राई दिस आउट एंड इफ़ यू लाइक इट, सब्सक्राइब इट, गिव इट थम्स अप. बाय बाय.